पुराने राजेंद्र नगर की ये नई तस्वीर है। मेरे ठीक पीछे देखिए कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। तीन बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी है, लेकिन माँ बाप ने अपने बच्चे के बड़ा होते देखना और सबसे बड़ी बात उनके सपने को मर जाने का एक दंश झेल रहे हैं। लेकिन इन सपने के पीछे, इन सपनों के टूटने के पीछे की हकीकत क्या है, जरा ओल्ड राजेंद्र नगर की ये जो नई तस्वीर है इसमें ये देखिए किस तरीके से मित्रा आईएस के अलावा यूपीएससी, एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, राज मल्होत्रा आईएस, सीएस फाउंडेशंस, न जाने कितनी ऐसी दुकानें हैं जो खुली हुई हैं। और अगर आप कहीं भी देखेंगे तो नेक्स्ट आईएस, देखिए तो आईएस बनाने की फैक्ट्री के नाम पर जिस तरीके की धोखाधड़ी हो रही है, जिस तरीके का यहाँ पर ठगी की जा रही है, वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ पर यहाँ से पार्लियामेंट कितनी दूर है, और सबसे बड़ी बात कि हाईटेक पुलिस और बहुत बड़ा बजट एमसीडी का, इसके बावजूद भी अगर कुकुरमुत्ते की तरह आईएएस बनाने वाले संस्थान पैदा हो जाएं और शोषण उन छात्रों का हो जो भविष्य को अपना देश की सेवा में झोंक देना चाहते हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि सड़ांध का दोषी कौन है। कैमरा पर्सन